डायरेक्टर ओम राउत की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष 16 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में जाने माने सुपरस्टार प्रभास राघव के लीड रोल में नजर आए हैं। वहीं एक्ट्रेस कृति सेनन जानकी के रूप में दिखाई दी है। एक्टर सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं, तो एक्टर सैफ अली खान लंकेश बने नजर आए हैं। बता दें कि वैसे तो इस फिल्म का जब से ट्रेलर रिलीज किया गया तभी से विवादों में, जिसकी प्रमुख वजह है असली रामायण के साथ छेड़छाड़। जी हाँ, लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी रोष है। उनका कहना है हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए इसे बनाया गया है, ये एक प्रोपेगेंडा आधारित फिल्म है। तो दूसरी तरफ अब एक नया विवाद निकलकर सामने आ रहा है। देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास जिस बात को 20 साल से अपने हर एक कार्यक्रम में मंच से कहते आ रहे हैं, उनके उसी बात को चुराते हुए अब इस 500 करोड़ की बजट में बनी फिल्म आदि पुरुष में अलग तरीके से दिखाया गया है। जिसके बाद कुमार विश्वास पैरोडी ट्विटर आईडी से एक ट्वीट कर लिखा जाता है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। कुमार विश्वास सर, आपके भाषण का प्रसंग को बदल के आदि पुरुष में मुंतशीकरण किया गया है। कुमार जी ये मंच पर 20 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा बेहुदा प्रयोग होगा उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर मनोज मुंतशीर हैं। ये फिल्म हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज की गई है। इसके अलावा तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी ये फिल्म डब की गई है। इस फिल्म के निर्माता भूषण कुमार हैं। दुनिया में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा स्टाइल आइकॉन है हनुमान, जो अपने एम्प्लॉयर को कोई कष्ट नहीं देते, वो मिनिमम काम में काम करते हैं। हनुमान भाई एमबीए क्या सिखाता है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, हनुमान इसके उदाहरण है। भगवान ने उन्हें भेजा लंका में कि जाओ जरा रावण को मेरा विजिटिंग कार्ड दे के आओ, तो वो गिरफ्तार हो गए जानबूझ के। अब उनकी पूंछ पे वो कपड़ा बांधा गया, कपड़ा किसका था, रावण का। मिट्टी का तेल डाला गया, मिट्टी का तेल किसका था, जली किसकी, मिनिमम इनपुट